डायमेंशन देगा। आप लोगों को पता जो पंच है वो अल्फा आर्किटेक्चर के अंदर बनी हुई है, तो हो सकता है कि इसके डायमेंशन में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज किए जा सके, बाकी इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि चेंज ही हो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं ये सब कुछ चीज़ें। जब गाड़ी आएगी तभी आपने को जो है ना पता चलेगा। कर लेते हैं नेक्स्ट उसके बारे में बात। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना PMSME के इसमें आप लोग को जो है ना ये इक्विपाइड ये बनाया जाएगा इसको यार, इक्विड जो भी होता है ना PMSME टाइप का है, आप लोग को पता है जिस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। और ये जो होगी ना लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस आप लोग को ये जो है ना सिस्टम पूरा दिया जाएगा इसके अंदर। अब ज़रूरी बात कर लेते हैं इसके बैटरी पैक के बारे में, इसमें आप लोग को कौन कौन सी बैटरीज देखने को मिलती है। सबसे पहले इसमें जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें दो टाइप की आप लोग को रेंज मिलेगी, एक होगी मीडियम एक होगी लॉन्ग। ठीक है, जो मीडियम रेंज होगी वो जो आप लोग को टिगो टियागो के अंदर जैसा मिलता है ना वैन सेम वैसा वैसा, थोड़े बहुत हो सकता है ज़्यादा बढ़ा कर भी दिया जाए। बाकी मीडियम रेंज की बात करेंगे यहाँ पे आप लोग को 24 किलोवाट आवर की जो है ना इसमें एक बैटरी मिलेगी, बाकी लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग को हो सकता है 26 किलोवाट आवर की जो है इसमें आप लोग को बैटरी पैक देखने को मिलती है। बाकी नेक्स्ट अप जो है ना मेन फैक्टर इसका आ जाता है कि आपको इसमें रेंज कितनी मिलेगी, जो बैटरी पैक आप लोग को इसके अंदर दिया जाएगा ना वो कितना रेंज हमारे को प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आप लोग को पता है जो टियागो आती है, जो टिगोर आप लोग की आती है ना, वो कितना रेंज प्रोवाइड करती है, वो 250 किलोमीटर की जो है ना ले रेंज क्लेम करती है। और जो अपर वेरिएंट है इससे ऊपर जहाँ पे दूसरी 26 किलो वाट आर की जो बैटरी होगी वो 345 किलोमीटर का रेंज जो है ना आप लोग को देती है। बाकी पंच में अगर दिया जाएगा थोड़ा बढ़ा के दिया जाएगा इसमें आप लोग को हो सकता है 240 किलोमीटर्स की रेंज, और जो लॉन्ग वाली होगी वो आपको 300 किलोमीटर की रेंज आप लोग को इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी जब ऑफिशियली गाड़ी पूरी तरीके से आएगी ना मार्केट के अंदर हम तभी आप लोग को जो है ना अच्छे तरीके से बता पाएंगे। अभी जो आए हैं उड़ते हुए जो खबरें आई है ना ऑफिशियल थोड़ी सी बहुत से अपने को जो पता चली है वो आप लोग को हम बता रहे हैं। बाकी इसमें आप लोग को जो ना रीजनरेशन मोड भी आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। आप लोग को पता है रीजनरेशन क्या होता है, जब आप हल्का हल्का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी बैटरी जो है ना ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत चार्ज होती रहती है। और साथ में आप लोग को बता दूं इसमें आप लोग को जो चार्जर दिया जाएगा ना वो घर बैठ के भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको 7.2 किलोवाट की जो है ना एसी होम चार्जर इसके अंदर मिलेगा आप लोग को, और फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी आप लोग को इसमें दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पावर की बात करें कि ये कितना पावर आप लोग को जनरेट करता है, अगर मिड रेंज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ना मिड रेंज वाला 60 हॉर्स पावर आप लोग को ये निकाल के देगा और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट कर लेगा। बाकी लॉन्ग रेंज की अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज वाला जो होगा वो आपको 74 BHP निकालेगा और 170 Nm का टॉर्क ये जनरेट करके देगा आप लोगों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज इसमें आप लोग को मिलेगा। बाकी हम एक्सपेक्ट करें जहाँ पे सभी जो बंदे बोल रहे हैं कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो होगा ना वो चेंज होगा, जिसमें आप लोग को जो 7 इंचज़ की जो आप लोग को हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो चेंज होकर अब 10.25 इंचज़ का जो है ना आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा। अगर ये मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी बात हो जाएगी इस चीज़ के लिए। बाकी JBL का साउंड सिस्टम आप लोग को इसके अंदर मिलेगा, टाइप सी पोर्ट का चार्जर आप लोग को मिलेगा, अभी फास्ट चार्जर ये मिलेगा, बाकी OTA अपडेट्स वगैरह आप लोग को इसके अंदर मिलेंगे। सेफ्टी रेटिंग का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यहाँ पे, सेफ्टी रेटिंग आप लोग को वही अगर दोबारा क्रैश टेस्ट किया जाए इसको EV के साथ तो 5 स्टार लाएगी, और हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। बाकी इसमें जेड कनेक्टेड कार फीचर्स भी आप लोग को इसके अंदर मिलेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है अगर जेड कनेक्ट कार इसके अंदर आता है तो, बाकी ऐसा होना चाहिए। इसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में बात। तो इसमें आप लोग को रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस भी आप लोग को इसमें शोज होंगे, जहाँ पे आप अगर जब गाड़ी चार्ज हो रही होगी तो कितना चार्ज परसेंट चार्ज हो रही है वो भी आप लोग को जो है ना जेड कनेक्ट के द्वारा आप लोग को इसमें दिखाया जाएगा। ड्राइविंग स्कोर्स भी आप लोग को इसमें शो करेगा कि आप लोग की ड्राइविंग स्किल कितनी अच्छी है कितनी बेकार है, वो भी गाड़ी आप लोग को बताएगी। बाकी अब प्राइसिस की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक आप लोगों को एक जो बोलते हैं ना अटपटा सा सवाल है, क्योंकि अभी गाड़ी आई भी नहीं है पर प्राइसिस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये पंच आप लोग को पता है माइक्रो SUV की एक रेंज में आती है, तो टियागो से और टिगोर से ये थोड़ी सी महंगी आप लोग को आएगी, पर इतनी महंगी भी नहीं होगी कि ये नेक्सॉन को बीट कर ले। ठीक है, नेक्सॉन तक के रेट में ये नहीं आएगी। बाकी आप लोग को पता है टियागो टिगोर से महंगी नहीं होगी। मिड रेंज अगर बात करते हैं हम इसकी ना तो ये आप लोग को 10.5 से 11 लाख रुपये से ये शुरू हो जानी चाहिए, और जो लॉन्ग रेंज इसकी जाएगी जो हमने आपको बताया था 300 किलोमीटर वाली वो आपका 13 से 14 लाख रुपए तक इसका जा सकता है, और ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। बाकी जब ये गाड़ी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी तभी जो है ना ज़्यादा जानकारी अपने को उस वक्त मिलेगी, और जब टाटा इसको अनवील करेगा ना बाकी तभी जो है ना इसके बारे में खुल के हम लोग जो है ना बात करेंगे। तो ये आप लोग के कुछ चीज़ें थी जो आप लोग को पंच EV के अंदर मिल सकती है।
बाकी स्पाइस शॉट्स अब अपने पास आते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिटेल अपने पास आता रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी इस वक्त जो है ना मार्केट के अंदर जो है हैचबैक ईवी भी आप लोग को मिल जाती है, सब कॉम्पैक्ट ईवी भी आप लोग को मिल जाती है। अब जिसकी ज़रूरत थी माइक्रो एसयूवी, वो भी अब आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं अब ये कब तक आने वाली है मार्केट के अंदर, तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप लोग को जो है ना जल्द से जल्द जो है ना देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्राइसेस वगैरह जो है ना जो आप लोग को हमने बताया वो एक्सपेक्टेड प्राइस है कि इतना हो सकता है या फिर इतना होना चाहिए, ये आप लोग को जो है ना प्रॉपर एक प्राइस नहीं है। बाकी फीचर्स आप लोग को जो बताए उसमें से हो सकता है कि कई फीचर्स आप लोग को ऐड किए जाए, हो सकते हैं कई फीचर ना भी हो, बाकी जब गाड़ी आएगी ना पूरा डिटेल में हम तभी बात करेंगे। तो यही था बस आज की इस वीडियो में, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बता देना, और चैनल पे नए हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर देना लाइक, और आप लोग रखना अपना ध्यान। मैं मिलूंगा आप लोग को ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, और आप लोग का दिन शुभ रहे वीडियो देखने के लिए आप लोग।